दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा ओमलेट ऐप से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं। दोस्तों आज मैं एग्जांपल के लिए फ्री फायर मैक्स गेम को लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं। आप चाहे तो कोई भी अदर्स गेम भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कैसे किया जाता है अपने एंड्रॉइड मोबाइल से और ओमलेट ऐप को यूज करके। और दोस्तों आज मैं यहां पर ओमलेट ऐप में काफी सारे जो कि सेटिंग और यहां पर जो भी यहां पर लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताने वाला हूं। और दोस्तों ओमलेट ऐप से लाइव स्ट्रीम करने के लिए स्ट्रीम क्वालिटी कितना आपको रखना चाहिए, फ्रेम आपको कैसे सेटअप करना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे आपको लिखना चाहिए, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर प्ले स्टोर से ओमलेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पर सिंपली ओमलेट ऐप को ओपन में क्लिक कर दूंगा। और गाइस फर्स्ट टाइम जैसे हमने ओमलेट ऐप को ओपन में क्लिक किया हूं तो यहाँ पर हम लोग को लॉग इन करना होता है, अपना एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नॉट नाउ पे हम लोग को क्लिक करना है। आप चाहे तो चेक मिशन पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर नॉट नाउ पे क्लिक किया हूं। तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है इनेबल नाउ ऑप्शन, तो हम लोग सबसे पहले इनेबल नाउ ऑप्शन पे क्लिक किया हूं। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर डिस्प्ले ओवर अदर्स ऐप में लेके आएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, तो आपको यहाँ पर ओमलेट ऐप को ढूंढना है, तो ओमलेट ऐप को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसी बटन को सिंपली ऑन कर देना है, उसके बाद बैक कर देना है, बस दोस्तों हो जाएगा। प्लीज वेट यहाँ पर दिखाएगा, इसके बाद आपको ग्रांट परमिशन पे आपको क्लिक करना है। और ग्रांट परमिशन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर कुछ परमिशन यहाँ पर देना होता है, तो पहली बार ही करना होता है। तो यहाँ पर मैं जितना भी यहाँ पर जो भी क्रॉस यहाँ पर दिख रहा है तो सभी जो कि परमिशन मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फटाफट जो भी यहाँ पर परमिशन मांग रहा है मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर बैक कर देना है, बस दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा। इसके बाद आपको लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने के लिए नीचे आपको एक प्लस वाला आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको सिंपली इसी प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको मिलेगा गेम स्ट्रीम का ऑप्शन, तो गेम स्ट्रीम ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। और गेम स्ट्रीम ऑप्शन पर जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखा सकता है, दिखाएगा जैसे जैसे मेरे दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर बैक कर दिया हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बैक कर दिया तो अभी यहाँ पर कुछ और भी परमिशन दे रहा है, तो फर्स्ट टाइम कुछ परमिशन ऐसा मांगता है, तो मैं फटाफट यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डू नॉट अगेन इस पर मैं क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक कर दिया हूँ। और पहली बार हम लोगों को यहाँ पर कुछ ऐप्स वगैरह देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को मोर प्लस मोर ऐप में हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करूँगा तो अपना डिवाइस में जो भी गेम है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस मेरे यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम पे मैं यहाँ पर जो कि लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो इसी बटन को सबसे पहले हम लोग ऑन कर देंगे। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर ऑन कर दूंगा उसके बाद फिर से हम लोग को प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है और गेम स्ट्रीम पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री फायर मैक्स गेम यहां पर फाइनली आ चुका है। और गाइस सबसे पहले हम लोग को लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर गेम पे हम लोग को टच करना है जिस गेम पे आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो। तो गाइस मैं फ्री फायर मैक्स गेम को लाइव स्ट्रीम करूंगा, फ्री फायर मैक्स गेम पे मैंने टच कर दिया हूँ। और दोस्तों यहाँ पर पूछा है आप कहाँ पर लाइव स्ट्रीम करना चाहेंगे, क्या ओमलेट ऐप में या फेसबुक में या यूट्यूब में? तो गाइस हम लोग यहाँ पर यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर यूट्यूब में सिलेक्ट करेंगे। यूट्यूब में जैसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो अपना डिवाइस में जितने भी सारा जीमेल आईडी है जिस चैनल से अपने यूट्यूब चैनल है तो वो जीमेल आईडी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ब्लॉग जीमेल आईडी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ पर कुछ अलाउ मांगता है, मैं यहाँ पर फटाफट यहाँ पर अलाउ में क्लिक कर देता हूँ। और अलाउ में क्लिक करते ही अपना यूट्यूब चैनल से जो कि ओमलेट ऐप में यहाँ पर जो कि लिंक यहाँ पर कनेक्टेड हो जाता है, जो कि बटन आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि बटन ऑन हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है टाइटल लिखने का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर आप टाइटल भी लिख सकते हो, जिस गेम को आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वो गेम आप यहाँ पर टाइटल में भी लिख सकते हो। इसके बाद नीचे मिल जाता है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन पे भी आप चाहे तो गेम के बारे में थोड़ा डिटेल्स में लिख भी सकते हो। इसमें क्या होता है गेम के बारे में लिखने से थोड़ा यूट्यूब पर इसी जो लाइव स्ट्रीम में थोड़ा रैंक करने का ज़्यादा चांस यहाँ पर बढ़ जाता है, तो इसलिए आप चाहे तो यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन है थोड़ा मोड़ा आप गेम के बारे में आप लिख सकते हो। और इसके बाद मिल जाता है स्ट्रीम सेटिंग का ऑप्शन, स्ट्रीम सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर स्ट्रीम क्वालिटी कितना आप रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके सिंपली आप स्ट्रीम क्वालिटी को भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर 720 क्वालिटी रखूंगा, ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर सेटअप होता है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट में क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेटिंग करने के बाद स्ट्रीम क्वालिटी को तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको भी आप चाहे तो ऑन कर सकते हो, तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो गाइस जो स्ट्रीम यहाँ पर हो रहा है आप चाहे तो यहाँ पर इसमें आप टच करके सिंपली सेव टू गैलरी पे भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जो भी लाइव स्ट्रीम होगा अपना फाइल पे यहाँ पर सेव भी हो जाएगा गैलरी पे। फिलहाल दोस्तों मैं इसको सेव नहीं करना चाहूंगा,
दिखाऊंगा। यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ दोस्तों। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले अच्छी चीज ओवरले, ओवरले का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ओवरले हम लोग यहाँ पर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर कुछ फ्री में भी मिल जाता है और कुछ पेड भी हम लोग को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं फ्री में ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं बैक कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है उससे उसको ही रहने दूंगा। और यहाँ पर जो भी सेटिंग है सेटिंग में जैसे है वैसे मैं रहने देता हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ पर क्वालिटी को सिर्फ मैंने यहाँ पर बढ़ाया हूँ। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करेंगे दोस्तों। और गेट स्टार्ट में क्लिक करते हैं हमारा यहाँ पर लाइव स्ट्रीम जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो लाइव स्ट्रीम है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और गाइस स्टार्ट हो जाने के बाद सबसे पहले हम लोग गेम को स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर गेम को स्टार्ट करूँगा तो अपना यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर लाइव गेम प्ले हो रहा है। और वैसे भी मैं आपको टोटली मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी हम लोग को देख लेता हूँ। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपना YouTube चैनल पे। और अपना YouTube चैनल पे आ जाने के बाद यहाँ पर मैं फटाफट देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना YouTube चैनल ही यहाँ पर स्टार्ट ग्रुप ब्लॉग। तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो अपना YouTube चैनल पे यहाँ पर लाइव जो कि गेम प्ले यहाँ पर हो रहा है ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि अभी अभी मैंने यहाँ पर गेम प्ले को स्टार्ट किया हो। तो आप लाइव प्रूफ भी आप यहाँ पर देख सकते हो गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों गेम को मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हो। और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है बबल। और बबल पे अगर मैं टच करूँगा तो बबल पे यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऑप्शन और भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी आसान से अपने मोबाइल से अपने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। सिर्फ फ्री फायर मैक्स गेम नहीं, चाहे तो कोई भी गेम भी आप काफ़ी आसान से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी ये वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आएंगे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके जो मोबाइल स्क्रीन है ये टोटल आपके लाइव होता रहेगा। तो ये इसलिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन को अपना जो मोबाइल आपने यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट किया हो ऑमलेट ऐप से, तो लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बबल है बबल पे आपको टच करना है। बबल पे जैसे आप टच करेंगे इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और इसी ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करेंगे और एक बार यहाँ पर स्टॉप स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी जो स्ट्रीम है यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तो गाइस इस तरह से आप स्ट्रीम को भी स्टॉप कर सकते हो।